हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं शिवाय क्लासेस पर आप सभी का। तो हमने पिछले वीडियो में 3.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम रिवीजन कर रहे हैं 3.2 का, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे दृष्टि में उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं विदाउट गेटिंग लेट आगे, है ना। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर लो, ताकि वो भी घर बैठे मैथ का प्रैक्टिस कर सके अच्छे से अच्छे। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ही अपने मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखो तो 3.2 में हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर जो भागफल और शेषफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो ये इसमें 3.2 में इस प्रकार के तीन क्वेश्चन हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। हमें कोई सा भी एक क्वेश्चन आ जाएगा तो तीनों हम इजीली कर लेंगे। तो देखो हमारे पास इसमें चार क्वेश्चन हैं, चार में से हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी तीन आपके लिए छोड़ देंगे। इसमें मोस्ट जो है पहला और दूसरा मोस्ट है ना, इसमें पहला और दूसरा मोस्ट है, ठीक। तो मैं आपके लिए पहला वाला करा देता हूँ, ठीक। लेकिन इसको करने से पहले आप इसका जो सूत्र होता है वो ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है एक नंबर के सवाल में, ये सूत्र क्या होता है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो ये इसका हमारा फॉर्मूला, ठीक। इसके अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ चलती है, इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, देखो कैसे करते हैं। जो भी ये पी एक्स है, पी एक्स की इसमें से क्या करता है, चार वैल्यू होती है हमारे पास, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है वो कि चारों में से एक की वैल्यू वो हटा देगा और बाकी तीन वैल्यू देकर एक पूछ लेगा आपसे, है ना। तो ध्यान रखना, कभी भी पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स में से तीन की वैल्यू देकर कोई सी एक पूछेगा, तो ये वाला सूत्र आपको काम में लेना है। याद रखना, इसको लिख लो, नोट कर लो और माइंड में फीड कर लो, और माइंड में फीड करने के बाद ताला लगा के चाबी को नले में फेंक देना, ताकि आपको खोल नहीं पाओ और वो निकले नहीं, ठीक है। तो देखो अब कैसे करना है। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये है हमारे पास जी एक्स की वैल्यू कितनी है, वन वन अरे चाल है, वन प्लस टू एक्स प्लस स्क्वायर, ठीक। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, आप जब भी आप भाग दोगे इस वाले क्वेश्चन को, तो पहले जो ये जितनी बड़ी घात है उसको हम पहले घटते हुए क्रम में लिखेंगे ना। तो सबसे बड़ी घात कौन सी, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर अचर पद। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, जिसकी सबसे बड़ी घात है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस वन, ठीक। ये हो गया हमारा जी एक्स। अब जी एक्स का भाग देना है हमें क्यू एक्स पी एक्स में। तो पी एक्स देखो कितना है हमारे पास, ध्यान से देखना, तीन एक्स क्यूब, तीन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस पाँच, ये है हमारे पास। अब हमें इसका इसमें भाग देना है और दो वैल्यू पूछ रहा है वो, एक भागफल। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है भाज्य, ये भागफल, ये भाज्यक, ये भागफल और ये शेषफल। याद रखना क्या है, ये भाज्य, भाजक, भाज्य, भाजक, भागफल और ये है शेषफल, ठीक। याद रखना इसको, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लिख लो इसको कॉपी में ताकि भूलो नहीं। ये है भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल, ठीक। तो अब देखो इसमें करना क्या है, भाग कैसे देना है। इसमें भाग देने में बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, और इसको देखते ही ये एक्स वाई वाले से सवाल दिखते हैं बच्चों को, माइंड से इसको इग्नोर कर देते हैं। इसे डरना नहीं है, बहुत ईजी सवाल है, बस आप पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर लगा के समझने का प्रयास करें। करना क्या है हमें, देखो इसकी पहली संख्या और इसकी पहली संख्या को नोटिस, ये इतना बड़ा सवाल दिख रहा है ना तुम्हें, बहुत से बच्चे डर जाते हैं इतने एक्स वाई के, इतने बड़े सवाल करें ये कैसे करेंगे, ये तो आएगा नहीं। ऐसा नहीं करना है, घबरा
घबराना नहीं है। सवाल कितना ही बड़ा हो, होगा तो स्टेप बाय स्टेप ही, तो हमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, ठीक है। अब इसमें तीन सवाल है, तीन में से एक करा रहा हूँ, तीन से मतलब इसमें तीन क्वेश्चन है लेकिन उसमें अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस है, होगा ऐसे ही, है ना। देखो करना क्या है हमें, पहले सवाल को अच्छे से जमा लेना। इसको कैसे लिखोगे, जिसकी सबसे बड़ी घात है वो पहले आएगी और उसकी छोटी बाद में घटते हुए क्रम में चलेगी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखो यहाँ से हमें पहली संख्या ले लो, ये रफ काम है अपना। कौन सा काम है, ये रफ काम है अपना, ठीक। ये रफ काम मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पहली संख्या यहाँ से ले लो, तीन एक्स स्क्वायर ले लिया। अब पहली संख्या जो है यहाँ पर, इसकी भाग बटे में लिखो कितना है, एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आ गया हमारे पास, इतना बड़ा सवाल है, डरने की आवश्यकता नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, बिल्कुल इजी हो जाएगा। बस बने रहिए आप चैनल के साथ और जुड़े रहिए मेरे साथ। तो देखो अब इसको कर लिया अपन ने, इससे कोई मतलब नहीं है, हमने यहाँ इससे पहले संख्या इधर वाली ऊपर रहेगी और इधर वाली नीचे रहेगी, है ना। तो बड़ी संख्या ऊपर रहेगी, छोटी नीचे रहेगी। अब देखो हमें भाग देना है इसमें, चिन्ह सहित लिखना संख्याओं को। यह ध्यान बता देता हूँ, एक बात और विशेष, चिन्ह जो लग रहा है प्लस है तो लगाना नहीं है, माइनस है तो जरूर लगाना है, ठीक है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। अब देखो यहाँ भी नहीं है माइनस, यहाँ भी नहीं है, दोनों जगह प्लस है तो नहीं लगाया। अब प्लस में प्लस का भाग दे दे तो प्लस ही आता है ना। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर अचर पद तीन है, यहाँ पर अचर पद है क्या, नहीं है ना, तो अंक पद नहीं है तो तीन का तो तीन, ठीक। इसके बाद अब देखो ये एक्स तीन एक्स क्यूब है, है ना, तीन घात। अब देखो यहाँ पर कितनी घात है, तीन, और यहाँ पर कितनी है, दो। तो ध्यान रखना जब भी हम भाग देते हैं तो घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और फिर जो बचता है वो ही बच जाता है ना। देखो इसमें एक्स की घात कितनी है, तीन, और इसमें एक्स की घात कितनी है, दो। अब तीन में से दो घटाएंगे तो कितनी बार घात बच जाएगी, एक बार। तो एक्स की घात कितनी बच जाएगी हमारे पास, एक, है ना। लेकिन एक को हम लगाते नहीं है, क्यों, क्योंकि नहीं लगाएंगे तब भी हम इसकी घात कितनी मानेंगे, एक ही मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3x, इसका आंसर कितना आया हमारे पास, 3x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, सवाल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब जो 3x आया है हमारे पास वो कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे ये 3x, ठीक। इसके बाद क्या करना है, अब जो ये 3x आया है इसको हम सबसे गुणा करना है, है ना, और इसके नीचे ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक। अब गुणा करो, तीन है यहाँ पर अंक पद है क्या, नहीं है, नहीं है ना, तो अंक पद नहीं है, तो जो बचा हुआ है उसको ऐसे कैसे लिख दो बिना सोचे समझे, ठीक। अब क्या करना है, जो ये है और x, यहाँ पर x की घात कितनी है, दो, और यहाँ पर x की घात कितनी है, एक, अभी बताया था ना, जिस पर कुछ भी घात नहीं होती तो क्या मानते हैं, एक। अब क्या करना है हमें, गुणा करते हैं तो घातों को जोड़ के लिख देते हैं, और भाग देते हैं तो घातों को घटा के लिख देते हैं। यहाँ भाग दिया था, तीन में से दो गया तो एक बच गया, लेकिन गुणा करने पर घातों को वापस जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पर घात कितनी है, एक, और यहाँ पर घात कितनी है, दो, तो जोड़ेंगे तो कितने हो गए, दो और एक तीन, तो एक्स पर घात कितनी लगा देंगे हम, तीन, ठीक, वेरी सिंपल। अब करना क्या है, एक बात ध्यान रखना कि जो घात समान है उसको उसी के नीचे लिखना है, ऐसा नहीं यहाँ पे घात तीन है और यहाँ पे आप घात दो लिख दो, ऐसा नहीं करना है, हमें जिस पर जितनी घात है उसको उसी के नीचे लिखना है, ठीक है ना। देखो अब आगे, अब हमने इसको इससे गुणा कर लिया, अब ये बच रहा है, अब देखो अंक पद यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो तीन को दो से करा तो तीन दूनी छः, है ना। अभी इसे लिखो मत ही, पहले अचर ये चर पद को इसको गुणा करना है अपन को। अब देखो x की घात कितनी है यहाँ पर, एक, और यहाँ पर भी कितनी है, एक, तो गुणा कर रहे हैं हम, तो गुणा कर रहे हैं तो घातें जुड़ जाएगी, तो x की घात एक और x की घात एक कितनी हो गई, x की घात दो। अब सबसे पहले आप इसमें देखो x की घात दो कहाँ पर है, ये री, है ना, तो इसके नीचे लिखेंगे तो कितना आया था, तीन दूनी तो प्लस प्लस प्लस, है ना, तो तीन दूनी छः और x का x स्क्वायर, ये हो गया, वेरी सिंपल, ठीक। अब इसके बाद इससे करेंगे हम गुणा। देखो अंक पद यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो तीन को एक से गुणा करा तो एक। अब लिखना मत पहले, देखो किधर आ गया, सॉल्व करो ये, इनमें से कौन सा पद आएगा, x आएगा कि नहीं आएगा। अब तीन को एक से करा तो एक, और x का x आ जाएगा ऐसे, यानी x ये वाला, तो प्लस प्लस प्लस, और तीन को एक से करा तो तीन एक्स हो गया, ठीक, कोई सब परेशान नहीं है। अब क्या करना है आपको, यहाँ लाइन खींच दो,
खिंच गई लाइन। अब क्या करना है, अपन को चिन्ह चेंज करना है, जो प्लस का है उसको माइनस का और जो माइनस का है उसको प्लस का। अब देखो नीचे वाली संख्या का देखना है चिन्ह, ऊपर से मतलब नहीं है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लग रहा तो प्लस का मानते हैं, प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, ये भी प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ये प्लस का उल्टा माइनस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है ना। अब ये चिन्ह को हमें ये वाला देखना है, इसमें जो प्लस वाला लग रहा है ये नहीं है चिन्ह, हमें ये वाला मानना है ना, ये नहीं मानना है अब, क्योंकि हमने चिन्ह चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें से इसको घटाएंगे। देखो 3x³ में से 3x³ गया तो कुछ नहीं बचा, ये तो कट गया, ठीक। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का, अब मैंने प्लस माइनस क्या होता है, गुणा करने पर कौन सा आता है, भाग करने पर कौन सा आता है, ये सारा जो मैटर है मैंने बेसिक नॉलेज है मैथ का एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लो। अगर नहीं आपको कन्फ्यूजन होता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, तो बेसिक नॉलेज की एक मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर शिवाय का जो लोगो दिख रहा है वहाँ पर टैप करो, आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर से बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स का उस वीडियो को देख लो, ताकि आपको प्लस माइनस की झंझट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, अब असमान चिन्ह होते हैं तो घटते हैं, है ना, और चिन्ह उसका लगाते हैं जो बड़ी संख्या होती है। अब देखो 6 बड़ी है कि 1 बड़ी है, तो 6 बड़ी है तो आएगा क्या आएगा, माइनस का। अब ये अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, घटेंगे, तो ये 6 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो क्या मानते हैं हम, 1, तो 6 में से 1 गया तो 5, और ये x² का x² ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक। इसके बाद है हमारे पास 2 और 3, है ना। आप देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का। अब 3x में से 2x गए तो 1x बच जाएगा, 1 लगाते नहीं है हम, तो x का x आ गया, ठीक। और ये 5 के नीचे कुछ है नहीं, तो 5 ऐसे कैसे आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें फिर क्या करना है, दूसरी स्टेप करना है ना। अब यहाँ तक आ गई, ये पहली स्टेप हो गई, अब यहाँ से फिर इसमें भाग देंगे, तो यहाँ से हम पहली संख्या क्या है हमारे पास, माइनस के 5x², ठीक, भाग, और इधर क्या है हमारे पास, x², ठीक है। अब हम यहाँ से अपन इसका भाग पर लिखा लेंगे, देख कितना आता है, प्लस ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस में माइनस का भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस, माइनस में प्लस का 2 या प्लस में माइनस का 2 आता माइनस ही है ना, तो असमान चिन्हों का भाग करते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस आ गया। अब देखो यहाँ पर अंकपद है, यहाँ पर है ही नहीं, तो अंकपद जहाँ पर नहीं है एक ही जगह है, तो वो अंकपद तो ऐसा कैसे आ जाएगा, चाहे गुणा करो तो बढ़िया और भाग करो तो बढ़िया। अब x² है और x² ये, अब भाग दे रहे हैं हम, भाग देने पर घातें घट जाती है और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। अब देखो इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना आप कि भाग करने पर जुड़ती है घटती है, तो एक मैं तुम्हें सीधा सा तरीका समझाता हूँ कि याद रहेगा कि भाग देने पर, एक बात बताओ मेरे को, संख्या घटती है कि बढ़ती है, मतलब भाग दोगे तो संख्या कम आएगी कि ज़्यादा आएगी, कमी आएगी, और कम कैसे आएगी, घटाने पर, तो घटा देंगे हम, है ना, और गुणा करने पर संख्या ज़्यादा आती है कि कम आती है, ज़्यादा आती है तो गुणा करने पर हम घातों को जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, और भाग करेंगे तो घटा देंगे तो घातें कम हो जाएगी, तो ऐसे याद रखना है ना। तो हो गया -5, अब ये x² 2, ये 2 x² में से 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा, कट गया, क्या बचा हमारे पास, केवल माइनस का 5, ठीक। अब यहाँ -5 हम यहाँ लिख देंगे, हो गया -5। अब फिर वही काम करना है, इस -5 को सबसे गुणा करना है। अब चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, जब भी माइनस, ये माइनस इसीलिए आया है यहाँ पर क्योंकि बच्चा क्या करता है, माइनस को भूल जाता है, प्लस का मानकर कंसिडर करके करने लग जाता है और गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना है ना। तो हमें चिन्ह सहित गुणा करना है, -5 को -x² से गुणा करेंगे, तो ये माइनस, ये क्या है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब मैंने अभी कहा यहाँ अंकपद है और यहाँ अंकपद है ही नहीं, तो गुणा करो तो बढ़िया, भाग करो तो बढ़िया, अंकपद अगर एक ही तरफ है तो वो अंकपद ऐसा कि ऐसा लिख दो, ये आ गया 5, ठीक। अब x² इधर है, इधर नहीं है, तो सेम काम इधर ही है, अगर अचर पद भी एक ही तरफ है तो वो भी ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये हो गया x², ठीक। अब ये इसको करना है, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस, माइनस, ठीक। अब इधर अंक पद है, इधर भी है, तो अब गुणा कर लो, 5 दूनी 10, हो गया। अब
ये चर अचर पद, ये चर पद इधर नहीं है इधर है, तो ऐसा कैसे आ जाएगा। ठीक, अब आया हमारे पास लास्ट वाला, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब पाँच को एक से गुणा करेंगे तो पाँच ही कम पाँच, सो सिंपल। इसको लाइन खींचिए, फिर वही कहा क्या हम चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का ये प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस हो गया। अब क्या करना है हमको, जुड़ रहा है तो जोड़ लो, घट रहा है तो घटा दो, समान चिन्ह होंगे तो जुड़ जाएंगे और समान चिन्ह होंगे तो घट जाएंगे। अब देखो, अब ये वाला मानना है हमें, अब ऊपर वाले ये दोनों माइनस के और ये प्लस के, तो ये तो असमान चिन्ह आ रहे हैं तो घटेंगे, अब ये प्लस है समान चिन्ह जुड़ जाएंगे। तो देखो, पाँच एक्स स्क्वायर माइनस का और पाँच एक्स स्क्वायर प्लस का, तो ये तो गया घर। अब देखो यहाँ पर ये किसका है, माइनस का और ये है प्लस का, तो बड़ी संख्या प्लस की है कि माइनस की, प्लस की है, तो बच्चे का क्या है प्लस का, है ना। अब ये दस एक्स है और यहाँ पर कुछ भी नहीं लग रहा, मतलब एक एक्स है, दस एक्स में से एक एक्स गया तो क्या बच जाएगा हमारे पास, नौ एक्स बच जाएगा, बच गया। अब काय का बचेगा, प्लस का, लेकिन पहली संख्या है इसलिए पहली संख्या प्लस नहीं लगाते, वो सेल्फ अंडरस्टूड होती है। अब ये है हमारे पास प्लस का और ये भी हमारे पास प्लस का, तो प्लस प्लस जुड़ गए और पाँच और पाँच दस। ठीक, ये हो गया हमारा सवाल। तो अब देखो क्या पूछ रहा है, ये तो है हमारा क्या, क्यू एक्स, क्या है ये हमारा क्यू एक्स, तो भागफल किसे कहते हैं हम, ये जो भागफल है, भागफल क्या होता है हमारा क्यू एक्स, तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आया तीन एक्स माइनस पाँच, और शेषफल क्या होता है हमारे पास आर एक्स, ये है क्यू एक्स और ये है हमारे पास आर एक्स। आर एक्स कितना आया हमारे पास, नो एक्स प्लस दस, ये हो गया, वेरी सिंपल। अब ये क्वेश्चन 100% एक बार एक क्वेश्चन जरूर आएगा, अब इसमें तीन क्वेश्चन है, अब तीनों में से कोई सा भी आए तरीका यही रहने वाला है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजेज हो जाएगा। अब मैंने एक क्वेश्चन कर लिया इसमें से, बाकी जो तीन है सबसे हार्ड क्वेश्चन यही था, इसको मैंने ले लिया क्योंकि इसको जवाब ही उल्टा रखा था। बच्चे क्या करते हैं, इसको जमाना ही भूल जाते हैं, वहीं से करने लग जाते हैं तो गलत हो जाता है, तो जमाना विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले बड़ी घात वाली को लिखेंगे, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर विदाउट घात, है ना। तो इसी प्रकार से देखो ये सवाल है चौथा, इसने बिल्कुल सही जमा के दिया है, लेकिन पहले इसने पहले सवाल में बच्चों को क्या कर दिया, गुमराह कर दिया सवाल से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम इसके दूसरे सवाल में, बाकी तीन सवाल आप खुद प्रैक्टिस करो बार बार, और नहीं आ रहा है तो पहले तो इसी सवाल को दो तीन बार करो बिना देखे, है ना। अगर कहीं अटकते हो तो फिर वीडियो को देखो, एक वीडियो को कम से कम दो तीन बार देखो ताकि आपके माइंड में वो फीड हो जाए। ठीक है, हमको समझना है, रटना नहीं। हमने 3.2 का पहला क्वेश्चन कर लिया, अब 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है, उसमें तीन क्वेश्चन है, इसमें दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको ले लिया, है ना। बाकी जो पहला और तीसरा क्वेश्चन है जो हमने अभी करे हैं उसी के जैसे हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस करना, लेकिन उसमें पूछ कुछ और रहा है ना, उसमें और कुछ, उसमें भागफल और शेषफल पूछ रहा था, लेकिन इसमें यह पूछ रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करो कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये कैसे पता लगाएंगे हम, देखो तो इसमें प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड तब होगा जब जो आर एक्स हमने शेषफल निकाला था वो शेषफल अगर जीरो आता है तो ये इसका गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल जीरो नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा, है ना। अब भाग करके बोल रहा है, ये पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके ही करना है हमें, वो शेषफल वाले पर में मत लगा देना कि x की वैल्यू इसके बराबर 3 रखोगे तो ऐसा आ जाएगा, लेकिन ये खुद बोल रहा है भाग करके, तो हम भाग करके ही करेंगे। ठीक है, तो जैसे वैसे कराता पहले वैसे इसको करना है। देखो gx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 3, और भाग किस में देना है हमको, 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस नोटी, बहुत ही नोटी गर्ल, माइनस 12। ठीक, अब देखो इसको करना है हमें, है ना। अब कैसे करेंगे, वही क्या करना है हमको, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब वो x की जगह इसने t लिख दिया तो कोई बात नहीं, हम डरते थोड़ी है, t लिख चाहे p लिख, हम कैसे भी लिख, आप कैसे भी दो हम कर लेंगे, है ना, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है, देखो वही रफ काम,
ये हमारे पास रफ काम, ये हो गया हमारा रफ बॉक्स। ठीक, अब क्या करना है, पहली संख्या इधर से ले लो, पहली संख्या इधर से ले लो, डायरेक्ट पूरे सवाल को देखते हो, डर मत जाना ये क्या है, मैं कैसे करूंगा, इतना बड़ा या कैसे करूंगी, आ रहा ही नहीं है मेरे को, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, सवाल को स्टेप बाय स्टेप करते चलना, चाहे कितना ही बड़ा सवाल हो वो बिल्कुल इजीली वे में हो जाएगा, बट यू हैव नॉट टू फियर फ्रॉम एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम। देखो फर्स्ट संख्या यहां से ली हमने, क्या है ये 2t4 भाग, इधर है t2 ले लिया, अब हमें इसका भागफल निकालना है क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो देखो इधर चरपद अचरपद है, इधर अचरपद है ही नहीं, तो हमने कहा गुणा करो या भाग करो, अगर एक ही तरफ अचरपद है तो उसको ऐसे कैसे लिख दो, ये लिख दिया हमने दो ऐसे कैसे। ठीक, अब भाग कर रहे हैं तो भाग करेंगे तो घाते क्या हो जाएगी, घट जाती है, ऊपर कितना है 4 और नीचे कितने 2, तो 4 में से 2 गए तो 2, और टी की घात कितने लगा देंगे हम 2, दैट्स इट, इट इज़ वेरी सिंपल। अब क्या आ गया हमारे पास 2t स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख देंगे इसको 2t स्क्वायर, बिना सोचे समझे घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा काम, पहला भाग दो, दूसरा गुणा करो, अब गुणा करेंगे इसको इस पूरे से, देखो इधर अचर पद है, इधर है ही नहीं, तो है ही नहीं तो हम क्या करें, हम तो ऐसे कैसे लिख देंगे फिर, हमें तो सर ने बताया है कि एक तरफ हो तो उसको ऐसे कैसे लिख लो, फिर चाहे वो चर हो या अचर हो। अब जो चर पद नहीं जानते, अचर पद नहीं जानते हो, 3 पॉइंट का फर्स्ट वीडियो देखे, उसमें मैंने अच्छे से इस एक्सप्लेन किया है कि कौन सा चर होता है और कौन सा अचर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको कर लिया 2 का 2 आ गया, अब ये गुणा करेंगे तो घाते जुड़ जाएगी, यहाँ 2 है घात, यहाँ 2 है तो 2 की 2 और 2 4, तो टी की घात 4, और ये ऊपर 4 है तो हमने 4 के नीचे 4 को लिख लिया, घात समान होना चाहिए, समान घात को समान घात के नीचे लिखना है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसका हो गया, अब इसको देखो, इसको करना है 2 दिया 6, अब इसको टी से करेंगे तो इधर है और इधर नहीं है चरपद, तो चरपद ऐसा कैसा आ जाएगा है ना, यानी क्या आएगा टी स्क्वायर। अब देखो ये टी स्क्वायर ये गई, हमने चश्मे से ऐसे नहीं दिख रहा हो, चश्मा लगा के देख लेना है ना, कि देखो टी है कि नहीं, यहाँ पर स्क्वायर है कि ये है स्क्वायर, तो ये बच्चे यही गलती करते हैं मोस्टली, घाते तो देखते ही नहीं और उसके नीचे जबरदस्ती उसको जो लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, समान घात के नीचे लिखना है। अब देखो स्क्वायर आएगा तो इसके नीचे लिखेंगे हम, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 और ये टी स्क्वायर खत्म, दो ही संख्या है, गुणा कर लिया, काम खत्म, अब घटा दो, ये माइनस चिन्ह चेंज करना मत भूलना, ये प्लस हो गया। अब देखो हमें पहले बड़ी घात लिखनी है, अब देखो इसमें से जोड़ेंगे घटाएंगे तो 2 आएगा और यहाँ पर कितनी घात है 3, तो पहले हम किसको लिखते हैं, बड़ी घात को, ये किसकी है, प्लस की। अब चिन्ह चेंज कौन से, नीचे वाली संख्या का होगा, ऊपर वाली का नहीं होगा, ये ऊपर है तो एज इट इज, हम इसको पहले ऐसे कैसे लिख लेते हैं 3t का क्यूब, अब इसको जोड़ने के घटेगा ये, अब घटेगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, 6 में से 2 गए तो 4, अब बचेंगे काहे के, प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या काहे की, प्लस की, जो बड़ी संख्या होती है वो चिन्ह लगाते हैं, तो ये प्लस बच गया और 6 में से 2 गया तो ये 4 बच गया और टी स्क्वायर आ गया है ना। घाते जोड़ते कब घटाते कब है, जब गुणा करेंगे तो घाते जोड़ेंगे, भाग करेंगे तो घाते घटाएंगे, लेकिन जोड़ेंगे या माइनस करेंगे तो घाते नहीं जुड़ेगी, वो ऐसे कैसे आएगी जितनी भी है। देखो अभी यहाँ घटा रहे हैं हम, तो घाते जुड़ी घटी नहीं घटी ना, केवल इसके अंक पद होते हैं वही जुड़ते घटते हैं, बाकी वो ऐसे कैसे आती है ध्यान रखना। अब ये 2 काम हो गया, बचा क्या हमारे पास, नोटी बॉय -12। ठीक, अब सेकंड काम, एक स्टेप कर ली पूरी, अब फिर वापस इधर से पहली ले लो, इधर से पहली ले लो, इधर क्या है हमारे पास 3t क्यूब और इधर क्या है हमारे पास t2। ये t2 कौन सा लड़का है, अपनी क्लास में है क्या कोई, नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, नहीं है तो चलो आप देखो वही अचर पद, इधर है इधर नहीं है, तो सर ने क्या कहा, अचर पद नहीं है तो ऐसे कैसे लिख लो विदाउट गेटिंग कन्फ्यूज। अब भाग दे रहे हैं तो घाते घट जाएगी, या 3 है या 2 है, तो 3 में से 2 गया तो सबको ही पता है एक ही बचेगा, तो 3t आ गया। अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस में भाग देंगे तो प्लस, अब ये आ गया हमारे पास 3t।
आगे 3D, अब सेकंड काम क्या है, गुणा कर लो, एक तरफ भाग कर लो, एक तरफ गुणा कर लो, दैट्स इट, इज वेरी सरल सवाल। देखो अब 3 को टी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 है घात, ये 1 है घात, तो 2 और 1 घात जुड़ जाएगी, गुणा कर रहे हैं ना। हाँ अब ती इधर अचर पद है ही नहीं, तो अचर पद नहीं है तो सर ने क्या कहा, लिख लो ऐसे ही ऐसे, तो 1 घात और 2 घात कितने हो गए, 3 घात, ये हो गए, दैट्स इट, इट इज़ वेरी सरल। अब इसको माइनस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, गुणा, तो 3 दिया 9, और इधर चर पद है ही नहीं तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब टी वाला देखो, इधर ये टी है क्या, नहीं है, चश्मा ले लेना मेरा, किसी को नहीं दिखे तो है ना, मैं बिल्कुल दे दूंगा, फिर मैं नहीं दूंगा, थोड़ी देर बाद वापस ले लूँगा। अब इसको क्या करना है, आपको टी के नीचे लिखना है, क्योंकि हम मैंने अभी बताया कि जिसकी समान घात है उसी के नीचे उसको राइट करना है। अब कितने हो गए, माइनस 3 नौ टी, तो ये आ गया नौ टी, ये नौ टी लड़का है बहुत ही ठीक। अब क्या करना है, चिन्ह चेंज कर लो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया। अब बचा क्या, पहली बड़ी संख्या, ये 4t स्क्वायर, अब ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, खत्म, काट दो साड़ को कैची से, और ये भी कट गया कैची से ठीक। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस का 12, दैट्स इट। अब क्या करना है, फिर इसको इधर से ले लो, इसको इधर से ले लो, वेरी सिंपल, ये ले लो साहब, वो जगह गरीब आदमियों में थोड़ी जगह कम पड़ गई थी है ना, तो ये हो गया 40 स्क्वायर माइनस, इधर क्या आया हमारे पास, T2 को बुला लेना अगर समस्या है तो है ना, बराबर। अब अचर पद तो है ही नहीं है, तो क्या करना है, सर ने कह रखा है, लिख लो, दैट्स इट। अब घात दो, घात दो, घात दो में से, घात दो में से दो गई तो कुछ नहीं बचा। अरे भाई तुम्हारे पास 2 रुपये, 2 रुपये मैंने ले लिए, कुछ खा लिए तुमसे, चीज़ खा पा के लिए, फिर क्या करोगे, अरे सर ले गया वो दिमाग का पैसा, हाँ ऐसे डर, कुछ नहीं बचेगा फिर तुम्हारे पास, तो बचा क्या, केवल 4। अब इस 4 को क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है ऐसे कि इसे, ये हो गया 4। अब इधर अचर पद है, इधर है ही नहीं, तो ऐसे कि ऐसे बिना सोचे समझे आँख बंद करके, ना आँख बंद करके क्या पता घर किधर लिखने में आ जाएगा ना, ऐसे नहीं आँख खोल के लिखना तुम तो 4t हो गया। अब इधर चर पद है, इधर है ही नहीं, तो फिर वही नहीं है तो हम कहाँ से लाएं, बाजार से थोड़ी लेके आएंगे, पैसे ही नहीं कहाँ से खरीदेंगे, हम तो ऐसे कैसे लिख लिए ठीक। ये हो गया, अब इसको प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, माइनस, और 4 को 3 से गुणा करा तो 12, चिन्ह चेंज कर लो, हो गया। अब देखो ये भी समान है, समान दिख रहा है कि नहीं है, नहीं दिख रहा है चश्मा ले लेना मेरे थोड़ी देर के लिए, तो ये समान है कट गया, और चिन्ह असमान है तो कट गया, ये माइनस, ये प्लस, संख्या समान कट गई, क्या बचा 0। तो हम क्या पता चला कि अगर RX की वैल्यू 0 आती है, आगे RX सक्सेसफुल होता है ना, अभी ऊपर बताया दिया मैंने कौन से भागफल कौन सा होता है, भाज्य कौन सा होता है, भागफल कौन सा होता है, शेषफल कौन सा होता है ना, सारी बता दी पिछले वीडियो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख लेना। तो RX अगर 0 आता है तो इसका भागफल, सॉरी ये इसका बहुपद हो जाएगा, देयर इज नो डाउट इन दिस मैटर ठीक। तो ये हमारा सवाल हो गया एकदम करेक्ट। अब बाकी 2 सवाल बचे, उसे आप कर लेना, बहुत सरल सवाल है ठीक है ना, तो बने रहिए चैनल के साथ। अब इसका एक अंतिम क्वेश्चन है, उसको भी मैं अभी करा देता हूँ, ताकि हमारे 3.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे ठीक है। तो हो गया हमारा 3.2 तक, अब 3.2 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन, 3 में से 1 जरूर आएगा है ना, तो आप इसको अच्छे से समझ ले, 5 नंबर के में आ सकता है, 3 में या 5 में ना। तो निम्न बहुपद के 7 शून्यंक दिए गए हैं और अन्य शून्यंक भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, अन्य सभी शून्यंक ज्ञात करो। तो देखो हमारे पास वैल्यू ये दे रखी है और 2 शून्यंक दे रखे हैं। अब शून्यंक क्या होते हैं, एक्स के इक्वल में होते हैं, वो पढ़ लिया हमने 3.1 में ही है ना। तो देखो एक तो दे दिया हमें शून्यंक एक्स बराबर √2 और एक है एक्स बराबर 2 और एक है हमारे पास एक्स बराबर माइनस के √2। अब इसको हमें कैसे करना है, देखो अब
ये बराबर में पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस में आ जाता है ना, तो ये काय का है, प्लस का इधर आकर माइनस का रूट टू, अब बराबर में क्या बचा हमारे पास, जीरो। ठीक, इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे, तो ये तो एक्स, ये माइनस का है, इधर आकर प्लस रूट टू और बराबर जीरो। तो दो शून्य कौन कौन से आ गए हमारे पास जो दे रखे थे इसने, एक्स माइनस रूट टू और एक है हमारे पास एक्स प्लस रूट टू, ये हो गया हमारे पास। अब इसको कैसे हल कर सकते हैं हम, देखो हमारे पास सूत्र होता है एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ध्यान रखना अगर घात समान है और वो सम है, सम मतलब दो चार छः आठ है ना, अगर घात समान है और बीच में माइनस का चिन्ह है तो उसका विस्तार कैसे होता है, उसकी घातों को आधी करके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये घात कितनी है इसकी, दो, दो का आधा कितना होता है एक, तो घात आधी करके एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान रखना गणित ये कहता है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन आती है क्वेश्चन में कभी भी तो हम ये लिख लेते हैं, और अगर ये कंडीशन आती है तो हम ये लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी हैव टू यूज द मैथमेटिक इक्वेशन। ठीक, देखो अब हमारे पास सवाल में देखना है हमें कि ये वाली कंडीशन आ रही है कि ये आ रही है, देखो कौन सी आ रही है, ये आ रही है कि ये दिख रहा है कि स्क्वायर तो है ही नहीं, ये प्लस माइनस आ रहा है कि आ रहा है, पहली संख्या समान है कि समान है, दूसरी संख्या समान है कि बिल्कुल समान है, इट मीन्स हमारे पास ये वाली कंडीशन है और हमें यूज क्या करना है, ये वाली करनी है। ठीक, तो हम ये वाली कंडीशन यूज कर लेते हैं, कर लें, चलो साहब कर लो, तो फिर ये हो गई दूसरी वाली कंडीशन, तो क्या करेंगे हम, पहली संख्या का स्क्वायर, पहले क्या है यहाँ पर भी एक से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अब दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या क्या है, रूट टू, रूट सही तो लगाना, रूट टू का स्क्वायर। ठीक, अब ये ध्यान रखना आप, किसी भी रूट पर अगर स्क्वायर लगा होता है तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है ना, तो देखो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस दो। अब ये देखो रूट टू स्क्वायर से कैंसिल कैसे होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ इधर, जैसे रूट ये है दो रूट टू, अब देखो रूट का मतलब क्या होता है, इस पर घात लगी है हमारे पास दो, तो रूट का मतलब होता है एक बटे दो, रूट का मतलब क्या होता है एक बटे दो, ध्यान रखना जिसका भी एक रूट अंडर रूट लग रहा है उसका मतलब होता है एक बटे दो, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब ये दो लग रहा है, ये दो का दो। ठीक, अब देखो कैसे खत्म होगा रूट, देखते जाओ, घात पर घात लगी होती है तो क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, घात पर घात होगी तो आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई, अब ऊपर वाला ऊपर से गुणा हो जाएगा, दो को दो से गुणा करा तो ये पहले दो का तो दो, अभी दो को एक से गुणा करा तो दो एकम दो और ये नीचे दो के दो, अब भाग देते तो घात क्या हो जाती है, घट जाती है, तो दो में से दो गए तो एक, एक लेकिन घात ही नहीं है, ये क्या है, दो में दो का भाग दिया तो एक बच गया है ना, तो दो की घात क्या आ गई हमारे पास, एक, और किसी की भी एक घात होती है तो वो दो ही होता है, एक तो लिखा ही नहीं अभी समझा दिया, तो इसका मान क्या आ जाता है, दो। इस प्रकार से अंडर रूट पर अगर घात स्क्वायर होती है तो वो कट जाती है। ठीक, देखो अब हमारा सवाल आ गया मेन, अब हमें अन्य शून्य ज्ञात करने, कैसे, वैसे ही भाग देकर, तो हमारे पास जो ये कंडीशन आएगी इसका हमें इसमें भाग देना है। ठीक, तो ये ले लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस दो, और हमारे पास सवाल है, सवाल भी छोटा सा ही, टू एक्स फोर माइनस तीन एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स माइनस दो, दैट इज करेक्ट। अब क्या करना है, हमें भाग करना है, इसका तो समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो उतार लेना वीडियो को, पॉज करके रोक के, है ना, अभी अपन वही रफ काम करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा रफ बॉक्स, कम पड़ेगा यार, चलो बढ़ा लेंगे और खरीद लेंगे, फिर गरीब आदमी तो यहीं से अपन, चलो पहली संख्या यहाँ से ले लो, पहली संख्या यहाँ से ले लो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना, ये पहली संख्या 2x4 और इधर से x4, सॉरी x2 भाग देना है, अब उधर अचर पद है, इधर है ही नहीं, बहुत सरल हो गया, तो सर ने कहा था एक तरफ नहीं है तो उसको तो आँख बंद करके लिख लेंगे हम, लेकिन लिखना नहीं है क्योंकि आँख बंद करोगे तो क्या पता किधर और किधर लिखने में आ जाएगा, है ना,
तो ये हो गया दो। अब ऊपर घात है चार, नीचे दो है, तो भाग करते हैं तो घात घट जाएगी, चार में से दो गया तो दो, और x की घात कितने लगा देंगे हम, दो। तो 2x² हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक, अब पहला काम भाग, दूसरा गुणा, गुणा पापड़ा करना है अब, है ना। तो इधर अचर पद है, इधर है ही नहीं, तो ऐसा कि ऐसा, इधर घात दो, इधर दो, दो घात गुणा करेंगे तो घातें जोड़ देंगे, इसकी घात दो और दो कितनी हो गई चार, तो चार यहीं पर आ रहा है, इसी के नीचे लिख लो। ठीक, दैट्स इट। अब इसको इससे गुणा करना है ना, तो दो को दो से गुणा करेंगे तो अचर पद इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। अब तो थोड़ा परेशानी बढ़ा दी, चलो कोई बात नहीं, हमें गुणा करना भी आता है, कोई बात नहीं। दो दूनी चार, अब एक्स स्क्वायर इधर है, इधर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा। अब हमें एक्स स्क्वायर इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे, इसके नीचे, क्योंकि क्या कहा सर ने कि हमें समान घात के नीचे लिखनी है। ठीक, तो हमें यहाँ लिखेंगे, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, दो का दो का दो को गुणा करा तो चार, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और दिख रहा है क्या तुम्हें, मेरे को चश्मा लग रहा है, इसमें दो ही दिख गए, अब इसके काम खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये दो है घात, ये तीन है, बड़ी कौन सी है ये, तो पहले इसको लिखेंगे चिन्ह सहित। चिन्ह कौन से संख्या का चेंज करते हैं, नीचे वाली का, ऊपर वाली का नहीं करते, तो ऊपर वाली तो का तो 3x³। ठीक, अब देखो ये माइनस और ये प्लस, सॉरी, तो हम चिन्ह कौन सा मानेंगे, अब नीचे वाला, ये ऊपर वाला नहीं, अब ये इसको लगाया है तो इसको मानेंगे ना, अब ये कोई बारात में थोड़ी लेके आए, में से काम में लेने के लिए यूज में किया है ना। तो ये चार में से तीन गया तो एक बचा, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, तो एक हम लिखते नहीं है, है ना, तो प्लस का एक स्क्वायर। अब प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस बड़ी संख्या है, आगे वाली संख्या उतार लो, 6 - 2। अब फिर वही काम, पहला इधर से ले लो, पहला इधर से ले लो। अब माइनस लग रहा है तो माइनस लगाना मत भूलना, वरना फिर मैं भूल जाऊंगा तुम्हें। ठीक है, एक्स स्क्वायर इधर से ले लिया। ठीक, चिन्नी बच्चा गलती यही करता है माइनस में, और ये हवा हमेशा माइनस वाली सवाल ऐसे बनाते हैं, मैनेज करते हैं कि यहाँ पर माइनस आना ही आना है, क्योंकि भाई वो जानते हैं कि बच्चा माइनस में गलती करेगा, लेकिन अब जो तुम पढ़ रहे हो माइनस में गलती नहीं करोगे। ओके, ठीक, अब प्लस माइनस माइनस, अब देखो अचर पद है ही नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो हमें जोर ही नहीं आ रहा, कुछ मजा आ रहा है, हलवा मक्खन लग रहा है पूरा, है ना। अब यहाँ घात तीन है, यहाँ दो है, तो एक कट जाएगी, एक बच गया, तीन में से दो गया तो एक बच गया, और एक्स एक आ गया। ठीक, माइनस तीन एक्स आ गया, तो हम ये माइनस तीन एक्स यहाँ पे लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब दूसरा काम, इससे गुणा कर लो, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तीन का, अब यह फिर वो अचर पद नहीं है, ऐसा कैसा ले लो, बहुत सरल काम, हमारा मजा आ रहा है करने में। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो बता दो, है ना, हाँ कमेंट बॉक्स में बताते रहो, और मजा आ रहा है वाकई तो लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो, यार ऐसे क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट चौकी बात है, नॉट टू शेयर। देखो अब क्या करोगे आप, ये तीन का एक्स का तीन आ गया, अब ये घात कितनी है, दो, यहाँ पर है घात एक, तो गुणा करते हैं तो क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती है, तो ये एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, कितनी हो गई, तीन। ठीक, अब इसको इसके करो, माइनस माइनस प्लस, अब देखो एक्स यहाँ पर चर, यहाँ पर चर पद है, यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब एक्स ऐसे कैसे आएगा, तो हमें देखना है एक्स वाला पद कहाँ है यहाँ पर, उसको ऐसे कैसे लिखना है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर x है माइनस दो, है ना, यहाँ भूल गए अपन लगा नहीं रहा, है ना, किसी ने कहा भी नहीं तुमने, ये अच्छी बात ही नहीं है यार, है ना। देखो अब क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, तीन दूनी छः, और यहाँ पर चरपद है, यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, दैट्स इट, दिस इज वेरी सरल सवाल। ये चिन्ह चेंज हो गया, माइनस का हो गया, और इधर ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक, ये तो कट गया, अब क्या बचा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर, तो ऐसे कैसा बच गया, इधर से ये प्लस का और ये माइनस का, ये भी घर गया, है ना, टाइम हो गया इसका, घर वाले बुला रहे हैं, अरे आ जा रहे डांडे किधर है, ये दो हो गया। अब क्या करना है, पहली संख्या यहाँ से लेनी है और पहली संख्या यहाँ से लेनी है, एक्स स्क्वायर लिया और इधर से भी एक्स स्क्वायर लिया, है ना। अब ये तो दोनों समान है, दो में से दो गया तो जीरो बचा, तो क्या बचाएगा हमारे पास, एक। अब एक्स की घात क्या बच जाएगी हमारे पास, जीरो। अब किसी भी संख्या की घात जीरो होती है ना, तो उसका मान एक होता है, याद रखना, माइंड में फीड कर लेना।
किसी भी संख्या की घात आप क्या लगा दो, अगर जीरो लगा दोगे तो उसका मान एक हो जाएगा, चाहे वो फिर 100 हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 15 करोड़ हो, उसकी घात अगर जीरो लग रही है तो उसका मान एक होगा, चाहे फिर वो एक्स की घात जीरो हो या फिर वाई की घात जीरो हो, उसका मान एक ही होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स घात जीरो बराबर एक्स आ गया, वो सॉरी एक आ गया, है ना, तो एक आ गया, तो यहां पर प्लस वन हो गया। ठीक, अब इसको x से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर ये प्लस 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 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसको का प्लस माइनस, माइनस दो गए चिन्ह, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखो संख्या समान होती है और चिन्ह समान हो, व्हाट एम आई सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद कंसंट्रेशन, संख्या समान हो चिन्ह समान हो, एक्स स्क्वायर समान है, यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो क्या होती है वो कट जाती है। आप देखो ये दो और दो समान है लेकिन यहाँ पे चिन्ह का है माइनस का और ये है प्लस का, तो ये भी कट गया, क्या बच गया, जीरो। ठीक, अब यहाँ तक पूरा नहीं हुआ सवाल, ये अभी हमको और करना है, जो 3.1 में हमने गुणनखंड किए थे ना उस तरीके से। अब जो ये सवाल आया है हमारे पास, इसको इस वाले को, जो भागफल आया है हमारे पास क्या आया है, 2x² - 3x + 1 = 0। अब इसको हम ये टुकड़े करने हैं जो 3.1 में सिखाए थे, तो देखो अब पहली और आखिरी संख्या गुणा करना है, तो एक और दो, एक और दो को गुणा करा तो कितना आया, दो। ठीक, अब बीच वाली संख्या कितनी है, तीन, तो हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिसको गुणा करने पर तो दो आ जाए और जोड़ने घटाने पर तीन आ जाए, जोड़े पर आए या घटाने पर आए, आना तीन चाहिए, गुणा करने पर दो, तो बहुत सरल है, दो किस पाड़े में आते हैं, दो के में आते हैं, है ना, तो दो किसके पाड़े में आएंगे, दो ही कम दो आ गया। अब देखो गुणा करने पर दो तो आ गए हमारे पास, अब इसको जोड़े हम, जैसे दो और एक तीन आ गया, आ गया ना, अब चिन्हों का लफड़ा पड़ेगा, अभी समकाते हैं तुम्हें चिन्हों भी, तो टुकड़े क्या क्या आ गए हमारे पास, दो और एक, तो क्या करना है हमें, पहली संख्या और आखिरी संख्या को तो बिना सोचे समझे लिख देना है। अब टुकड़े जो लिए हमें बीच वाली संख्या की जगह पर लिए हैं, है ना, अब इस बीच वाली संख्या की जगह पर हम टुकड़े लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो ये माइनस के 3x है और हम जो टुकड़े लेंगे उनको हल करने पर भी माइनस के 3x ही आने चाहिए और गुणा करने पर प्लस के 2 आना चाहिए। अब देखो कैसे आएंगे, अगर हम मान लो 2 और 1 जो है दोनों प्लस के लेते हैं तो प्लस प्लस गुणा करके क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस तो आ गया हमारे पास, लेकिन हम प्लस प्लस जोड़ेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास जोड़ने पर प्लस आए थोड़ी चाहिए, हमें माइनस का चाहिए, तो हमें ये तो लपड़ा हो गया, तो कंडीशन कौन सी लेंगे हम, दोनों माइनस के ले लेंगे, क्या ले लेंगे, दोनों माइनस के ले लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करके आ जाता है प्लस, और दो को दो से, दो को एक से करा तो दो ही कम दो, और माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, है ना, बता रखा है मैंने, फर्स्ट वीडियो बना रखी है मैंने बेसिक नॉलेज मैथमेटिक्स की, आप उसको देख लो, अगर चिन्हों में कन्फ्यूजन होता है वो जरूरी है, अगर वहाँ कन्फ्यूजन रहेगा तो आपके पूरी मैथ में कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए कह रहा हूँ देख लो, रे यार ऐसे क्या करते हो, अगर कन्फ्यूजन खत्म करना है तो एक बार देख लो, 20 से 25 27 मिनट की वीडियो है शायद वो, उसको एक बार देख लोगे तो मैथ की जो कन्फ्यूजन है प्लस माइनस को लेकर, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, माइंड से हमेशा के लिए इरेज हो जाएगी, है ना। आप देखो माइनस 2x और माइनस एक्स, एक तो लिखते ही नहीं अपन, है ना, ये हो गया। ठीक है, अब जो टुकड़े कर लिए हमने, आप टुकड़े कर लिए, ये दो दो के जोड़े बना लेंगे हम, भाई जोड़ा तो दो का ही होता है, हैं, एक का तो अकेला क्या करेगा, ये हाथ भी एक ताले बजाएगा तो कैसे बजाएगा, खुद के ही मारेगा कि कैसे बजाएगा, गाल पे मार लो फिर बढ़िया बज जाएगी ताली। तो देखो यहाँ पर अब दो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दो कॉमन आ गया, एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन, हमेशा हम छोटी घात लेते हैं, है ना, तो देखो यहाँ पर दो है घात, यहाँ पर एक है, तो बड़ी कौन सी है, दो, और एक यहाँ पर कुछ भी घात नहीं है तो कितनी मानते हैं, एक, तो एक कॉमन आ जाएगा। ठीक, अब इसमें इसे भाग देंगे तो दो का दो में भाग दिया, कट गया, ये एक्स स्क्वायर दो बार है यहाँ पर, यहाँ पर एक बार है, तो भाग देते तो क्या होता है, घातें घट जाती है, यहाँ दो बार है, यहाँ एक बार है, तो क्या बच गया, एक बार, और प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब 2x में 2x का भाग देंगे तो एक बच जाएगा, क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, माइनस, अब यहाँ से कॉमन आ ही नहीं रहा,
यहाँ पर तो चर पद है, यहाँ पर अचर पद है। अब जब भी कॉमन नहीं आता तो हम कॉमन एक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक। तो हम एक कॉमन ले लिया, यहाँ बचा है एक्स। अब वो काय का लेना पड़ेगा हमें, है भाई, काय का लेंगे हम, अब वो हम लेंगे उसको माइनस का, है ना, ठीक। तो यहाँ क्या बच गया, एक्स। अब इस प्लस माइनस माइनस, एक में एक का भाग दिया तो एक, ये हो गया काम खत्म। अब हमने तीन पॉइंट एक में पढ़ाया था, जब बताया था मैंने दोनों ब्रैकेट एक जैसे आना चाहिए, संख्या भी समान होना चाहिए, चिन्ह भी समान होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है आराम से, किसी को नहीं दिख रहा हो तो चश्मा लगा लेना, है ना। तो अब दो ब्रैकेट आ गए समान, तो हम पहला है तो ये टू एक्स और ये माइनस वन, और दूसरा हो गया हमारा x माइनस वन बराबर जीरो। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे। तो 2x माइनस वन बराबर जीरो। अब x की वैल्यू निकाल ली है अपन को, तो हम x को अलग करेंगे। तो मैंने बताया था उस टाइम पक्षांतर करते हैं तो पहले प्लस माइनस को भेजते हैं फिर बाद में गुणा भाग को भेजते हैं। तो प्लस माइनस वाला ये रहा, तो 2x बराबर, अब जीरो का मतलब ही नहीं है, ये माइनस का है, एक उधर जाकर प्लस का हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, अब x अलग हो गया क्या तुम्हें, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। तो अभी तो ये दो इसके साथ चिपका हुआ है, क्या है ये, इसका खास फ्रेंड है ये, जब आप काम खत्म हो जाएगा जब जाएगा, चिपका रहेगा नहीं तो। अरे भाई अब इससे कहो शादी वादी खत्म हो गई, घर जाओ। तो इसको भी हमने क्या कहा, भाई घर जाओ, ऐसे क्या कर रहा है, इसको आनंद लेने दे, नई नई शादी हुई है। तो ये हो गया दो, अब इससे गुणा हो रहा है ना, तो उधर जाके काय में जाएगा, भाग में जाएगा। अब ये चला गया भाग, तो हमारे पहली वैल्यू तो क्या गई, एक्स की मान एक बटे हुए दो। अब दूसरा है हमारे पास, किधर गया, घूम गया क्या, ये रहा x माइनस वन बराबर जीरो, तो ये माइनस का है, उधर जाकर प्लस का हो गया। तो हमारा दूसरा क्या आ गया, एक। तो हमारे अन्य शून्य अंक क्या आ गए, सभी शून्य अंक लिख लेते हैं हम यहाँ पर, सभी शून्य अंक है, क्या क्या है हमारे पास, दो तो दे दिए थे इसने, अंडर रूट दो माइनस अंडर रूट दो, है ना, और एक हमने निकाल लिया एक बटे हुए दो, और एक क्या निकाला, एक। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर ये नहीं आया तो इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन है वो आ जाएगा, तरीका यही रहने वाला है। आपको इस क्वेश्चन को कम से कम आज पांच बार बिना देखे करना है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मैंने इस सवाल को बिना देखे कर लिया है, अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 3.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। अगर वाकई आए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे क्या कर रहे हो, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा हमारा सपोर्ट करो, ताकि हम भी एंकरेज हो के आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाएं, आपकी और मदद कर सके, है ना। तो सब्सक्राइब करने के साथ अपने जो सभी फ्रेंड्स हैं उसको भी शेयर करो, ऐसे मत कर देना अरे मैं ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा या लेके आऊँगी, मैं तो नहीं भेज रही उसको, उसको नहीं भेज रही, ऐसा नहीं करना है। अपने को अपने सभी फ्रेंड्स को साथ लेके चलना है, अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को भी शेयर करो, ताकि वो भी घर बैठे ही इसकी मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।